एक सिद्धांत है, हमारे पाप हमको कथा में नहीं बैठने देते, हमारे पाप हमको कथा में नहीं बैठने देते, क्योंकि यहां पता है वो कथा में बैठेंगे तो उस कथा में बैठते ही इस व्यक्ति के जीवन को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारे पाप हमें बैठने नहीं देते। हम बैठे कथा में, हमारे पाप भागेंगे, क्योंकि भागवत जी का प्रारंभ शार्दूल विक्रीडन छंद में है, मतलब सिंह की गर्जना के साथ भागवत का प्रारंभ होता है। और ऐसा प्रसिद्ध है, जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो सब लोग भाग जाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु भाग जाते हैं, कोई रुक नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से जब भागवत जी की हुंकार होती है तो हमारे पाप भाग जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पाप हमको कथा में बैठने नहीं देते हैं, और जब हम भागवत की शरण में आते हैं तो हमारे पाप हमसे दूर। बाबा तुलसी ने लिखा था, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे पूर्वजन के जो पाप है ना, ये हमको कथाओं में बैठने नहीं देते, भगवत चर्चा सुनने नहीं देते हमको। बड़ी आश्चर्य की बात होती है, आप देखना, थोड़ा सा चिंतन करना, हमारा ये मन कितना विचित्र है। आप दुनियादारी की चर्चा करने के लिए बैठो या सुनने के लिए बैठो, वहां कोई आलस नहीं आता है। आता है कोई आलस? कोई आलस नहीं आता है, बल्कि और दिलचस्पी बढ़ती है। हाँ, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, दिलचस्पी बढ़ती है। और यहां जुनियम कथा में बैठते हैं तो ऐसा हमारा दुर्भाग्य होता है कि सबसे पहले हमको नींद आनी प्रारंभ हो जाती है, आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है। हम बैठे भागे नहीं, बैठने से कल्याण होगा, जितना हम बैठेंगे उतना ही हमको प्राप्त होगा। हम बैठने का प्रयास करेंगे।